नेतृत्व तो दूसरा का हाथ में चला गया, ये लड़ाई हारेगा। बोलते है ना भीड़ का दिशा नहीं होता, इसलिए आज यह भीड़ है इसको दिशा नहीं दिया गया, क्योंकि नेतृत्व सही नहीं होने से लड़ाई हारी जाती है। बोलता है कमांडर, यदि कमांडर ही सही नहीं रहेगा तो लड़ाई हारता है। आपके पास दुश्मन कौन है, पहले दुश्मन को चिन्हित कीजिए। दुश्मन कौन है, जब दुश्मन को यहाँ स्टेज में बुलवाया जाता है तो आप लड़ाई हारोगे। पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग कृष्णा हंसदा जी से बात करेंगे, बहुत सारे बातों को लेके, आप लोग तमाम चीजों को, और कुटी के क्षेत्र में जो पतलगड़ी जो किया था, इन्हीं शख्स ने पतलगड़ी किया था और बहुत सारे चीजों को, आदिवासी को अधिकार दिलाने का बात किया था। और हम लोग देखते हैं कि आज का जो इतना बड़ा जनसैलाब है, इस जनसैलाब से क्या समझ में आता है। सबसे पहले पब्लिक एक्शन न्यूज के तमाम दर्शकों को मेरे ओर से जोहार। देखिए आज लाखों में यहाँ दर्शक आए, हमारे आदिवासी आए, और बोलते है ना भीड़ का दिशा नहीं होता, इसलिए आज यह भीड़ है इसको दिशा नहीं दिया गया। दिशा जब नहीं दिए तो लड़ाई कैसे जीतेंगे, यही सवाल उठता है। तो इतने बड़े भीड़ को किसी तरह का कोई भी दिशा नहीं दिया गया, यही यहाँ पर दिखाई। तो आगे आप लोग इस ये लोग लड़ाई किस प्रकार जीतेंगे। देखिए यहाँ नेतृत्व तो दूसरा का हाथ में चला गया, ये लड़ाई हारेगा। ये लड़ाई हारने के लिए ही लड़ा जा रहा है, जीतने के लिए नहीं। अधिकार मेने का बल प्राप्त है, ये हारेगा लड़ाई। क्योंकि नेतृत्व सही नहीं होने से लड़ाई हारी जाती है। बोलता है कमांडर, यदि कमांडर ही सही नहीं रहेगा तो लड़ाई हारता है। यही प्रॉब्लम होता है। मतलब तो यहाँ पर हमने देखा नेतृत्व की कमी, उनकी सोच की कमी, और जब जिसका और दोस्त दुश्मन को पहचानने की क्षमता ना हो तो लड़ाई नहीं जीत सकता। लड़ाई कैसे होनी चाहिए कि जहाँ जीता जाए। अरे लड़ाई तीर धनुष से नहीं लड़ा जाता है, लड़ाई आपका विचार आपका स्पष्ट होना चाहिए। आपका विचार स्पष्ट नहीं है, आप लड़ाई कैसे जीतोगे। मैं तो जितना लड़ाई जीता हूँ बिना लड़ाई का जीता हूँ, बिना आंदोलन का जीता हूँ, बिना आंदोलन का जीता हूँ। लड़ाई कैसे जीतोगे, लड़ाई जीतने के लिए आपके पास रणनीति होना चाहिए, स्पष्ट रणनीति होना चाहिए। आपके पास दुश्मन कौन है, पहले दुश्मन को चिन्हित कीजिए। दुश्मन कौन है, जब दुश्मन को यहाँ स्टेज में बुलवाया जाता है तो आप लड़ाई हारोगे। मतलब कि जो आरएसएस का एजेंट लोग है उनको क्यों बोलने दिया गया, उनको भी बोलने का मौका मिला। जो लोग कभी आंदोलन ही नहीं किया वो लोग बोल रहे हैं, अब आंदोलन क्या करेगा। ना विचार दिया, ना समस्या का समाधान का कुछ बात बताया। ये तो आगे जो इतना बड़ा जो भीड़ है, ये दिशा किस प्रकार होगा। कुछ ना है, पुतला जलाएगा खत्म हो जाएगा। पुतला जला के कोई समाधान हुआ है आज तक भारत में? न्याय मिला है, अधिकार मिला है, नहीं ना? तो ये सब पॉलिटिकल स्टंट है। तो देखो मेरे साथ मेरे आह्वान पर कितने लोग पुतला जला रहे हैं, बस पॉलिटिकल स्टंट। आज के ये को लेके क्या संदेश देंगे आप? मैं तो यही दूंगा कि लोग विचार करें, ये पॉलिटिकल समाधान है, ये राजनीति समाधान है। यह जेएमएम सरकार, जब सरकार में आदिवासी है फिर आदिवासियों को कैसे गिरफ्तार करवा रहा है? तो हमको जेएमएम के खिलाफ क्यों नहीं बात बोला कोई भी? सवाल ये उठ रहा, अरे ये पर्ची बांटे जा रहे हैं, ये पर्ची तो बीजेपी और राजसू के खिलाफ वाला है, जेएमएम के खिलाफ वाला तो नहीं है। तो इसका मतलब इस लड़ाई में, आज की इस आंदोलन में, ये दोस्त दुश्मन को चिन्हित नहीं किया गया और ये पर्ची बांटा गया। पर्ची को किसका है पर्ची? ये पर्ची जेएमएम समर्थक का, ये बीजेपी और राजसू को ही दोषी ठहरा रहा, जेएमएम को नहीं। इसका मतलब जेएमएम का है, यानी कि जेएमएम को
सीएमएम को क्यों दोषी नहीं रहे, विधान तो उनका है, सरकार उनका है, भाजपा का तो सरकार नहीं है। मंदिर लैंड तो आपको किस लिए मना किया, यहाँ का न्याय देने में कौन मना किया? एक तरफ कहते हैं कि मैया योजना पूरा आधी आबादी को, हम यहाँ पर झारखंड की आधी आबादी को उन्नति का हम ये तोहफा दे रहे हैं, और यहाँ पर आदिवासी का अस्तित्व को समाप्त कर रहे हैं। तो आदमी हमारा सीधा साधा है, समझता नहीं है राजनीति, इसीलिए ये राजनीति समाधान ही ये असली समाधान होगा। ये यदि जेएमएम सरकार नहीं समाधान करेगा, बीजेपी आज समाधान नहीं करेगा, तो भारत आदिवासी पार्टी को विकल्प बनाना होगा ना, यही तो रास्ता है, दूसरा रास्ता है। लड़ाई कितना लड़िएगा जी, लड़ाई कितना लड़ेंगे हम, यही बात। तमाम हम लोग देखते हैं कि जमशेदपुर में कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और पूरा जनसैलाब आके उस कोर्ट का ऑर्डर को हम रोक दिया। टाटा स्टील हार गया कल परसों ने, आप देखा होगा। आप थोड़ा सा धरने पर बंद कर देते हैं, आपको दो दो लोगों को जेल भेज दिया जाता है। आपका सरकार है, आपका विधायक है, आपका सांसद है, क्या बोलेंगे आप? देखिए ये मेरा सरकार नहीं है, ये पूंजीपति और मनुवादियों का सरकार है। ये आदिवासी लोग आज तक नहीं समझ पाए, अपना सरकार नहीं है और ये पूंजीपति और मनुवादी सरकार है। हेमंत सोरेन भी नाम का आदिवासी लगा, अन्यथा काम एक भी बता दीजिए आदिवासी के हित के लिए काम किया, एक भी आदिवासी का काम किया हेमंत सोरेन बता दे, मान जाऊंगा। बता दी क्या पैसा रूल्स को लागू कर पाया? आप लोग बोल रहे थे कि दो महीने के अंदर में लागू हो जाएगा, कहाँ लागू? कल लास्ट डेट है। क्या हेमंत सोरेन दो महीना पूरा होने के बाद लागू कर पाया? नहीं ना। क्या लैंड बैंक बीजेपी का लागू रद्द कर पाया? नहीं ना। क्या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को रद्द कर पाया? नहीं ना। क्या मोबाइल एक्ट 2006 को रद्द कर पाया? नहीं ना। तो फिर काहे के लिए भाई मेरा सरकार? एक भी जमीन आदिवासी को जब बचाया है नहीं, तो कैसे बोलेंगे हम अपना सरकार है? तो पांचवा अनुसूची और धारा अनुच्छेद 19 का पारा 5 और 6 लागू करता तो यहाँ घुसपैठ नहीं होता। क्या इसके लिए रूल्स बनाया? क्या सीएनटी और एसपीटी में रूल्स बनाया? नहीं ना। तो कैसे न्याय मिलेगा? तो क्या होगा अगला रणनीति को आज जब जनता को एक बता दीजिए कि क्या इसका उपाय है, ताकि जनता आती है, जो भी आवाज देगा उधर, ताकि हम लोग देखते हैं कि बीजेपी आवाज देता है तो बीजेपी तरफ जनता उमड़ पड़ता है, जेएमएम आवाज देता है तो जेएमएम की तरफ उमड़ पड़ता है। आपका जनता बोले वाला है, क्या करेगा आपका जनता, क्या कदम उठाना होगा उनको? जब तक राजनीति सोच चेतना नहीं जगेगा, दोस्त दुश्मन नहीं पहचानेगा और लड़ाई हारते रहेगा, जेएमएम बीजेपी ही जीतेगा, क्योंकि उसके पास पैसा है। मेरे पास मुद्दा है, उसके पास पैसा है, और मुद्दा आदमी को पसंद नहीं आता, यही है भरने का कारण। तो आगे आज का देवड़ी को लेकर और दो शब्द आपके तरफ से अंतिम शब्दों में। देखिए लड़ाई ये जीतने के लिए नहीं लड़ा गया, लड़ाई गलत दिशा में लिया जा रहा, लड़ाई गलत दिशा में जा रहा, इसलिए क्या होगा तो ऊपर वाला जाने। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा, ताकि इनका सवाल था कि जिस का सरकार है उनका बारे में 0 पॉइंट बोला गया है, बहुत सारा चीज इन्होंने बोला। आप लोग वीडियो को ठीक से देखिएगा तो सारा चीज समझ में आएगा। इसी के साथ इस वीडियो को भी जन जन तक शेयर करें, काहे कि सभी वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे, इस वीडियो को भी शेयर करना जरूरी है। तो पब्लिक एक्शन न्यूज में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, जोहार।